चाहे तुम एम्स्टरडम तो आए हैं, चाहे तुम जर्मनी तो आए हैं। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल आप सारे दोस्तों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत खुशामदीद। क्या हाल चाल है? भूल तो नहीं गए मुझे, ऐ ना हो तो मैंने भूल गया, वो काफ़ी अर्से बाद तुहाडे सामने आया हाँ। आज का जो दिन है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, आज मैं उर्दू पंजाबी मिक्स सब व्लॉग करने वाला हूँ, क्योंकि आज जो हम जा रहे हैं एम्स्टरडम दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट पर। तो अभी हम यहाँ से जाएँगे अपनी गाड़ी ले कर हॉलैंड में, वहाँ पर हम जाके जो होटल में बुक किया हुआ हमने वहाँ पर स्टे हमारा समा वगैरह रखेंगे, चेक इन करेंगे होटल के अंदर। और जो दिलजीत का जो कॉन्सर्ट है वो हमारे होटल से तकरीबन 5 मिनट के रास्ते पे ही है, तकरीबन पैदल है 5 मिनट का, 5 से 10 मिनट ज़्यादा दूर नहीं है वहाँ से। तो वहाँ से जाएंगे कॉन्सर्ट पे, कॉन्सर्ट अटेंड करके और शाम को फिर वापसी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज की वीडियो बहुत पसंद आएगी, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। तो चले चलते हैं हॉलैंड। Doors are open now and we are going inside. अब जा रहे हैं इसके अंदर, तो देखते हैं क्या माहौल है। सिक्योरिटी चेक के तौर पर मैं कैमरा वगैरह बंद कर दूँगा, क्योंकि सिक्योरिटी इश्यूज़ वगैरह होते हैं, तो इसके लिए मैं कैमरा भी बंद कर रहा हूँ और मैं बाद में हाल में जाकर दोबारा कैमरा ऑन करूँगा। द शो इज गोइंग टू बिगिन गाइस, शुरू होने लगा है। दिलजीत आ रहा है स्टेज पे, तो लाइट्स हो चुके हैं, लेट्स मी शो यू। मैं तुम दिखाता हूं, वेरी एक्साइटेड। सुपने वर्गी तो सुपने की एक सच्ची गल पता कि यह पूरे हो जाने मुख ही फिर उग पे किसी नवे सफर जिन्हें कोई मंजिल नहीं। असल च सफर ही अपने आप च मंजिल है, तो सफर में मिलने वाले सारे किरदार ले इको एनर्जी कर रही है। हर एक गल जी थी जिंदगी वापरती है तैयारी लई एक ओंकार सब जो वापर रहे उस एक दे जिन्हें भी जिंदगी के एक्सपीरियंस ने थोन तलाश दे ते सारे तो वह सटा सहना अपने आप ही याद आ जाता है। ये सारी खेड इदा है जिमें कोई पहला तो लभी हुई चीज गवाच के दोबारा लग जाए, पर दोबारा लभी चीज़ का मुल पहला नो कि ज़्यादा वाद होता। जिमें मच्छी पानी च रह के पानी की कदर ना करे, जिन्ना लभ्या जाना जरूरी है उन्ना ही गवाचना भी जरूरी है।
ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਮਿਲੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਡਰਾਮਾ, ਫਿਰ ਡਰਾਮਾ ਤਾਂ ਸਿਰੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। सारे नदियां नाले झरने उस एक चो निकल के उस जा रहे हैं। महाराज ने सानू सुरत बख्शी है, तो मेरी यही अरदास है थोड़े सारे ने कि वह सुरत हमेशा चलती रहे। इतने प्यार बनना है तो प्यार बन के जाओ, किसी ने उस जिनी हार जित की गल है हर एक उस एक की गल है। जो भी मैं ते तू दा रौला है सारा ही एवें तू दा रौला है, ओदी उस विच की गल है हर एक उस एक की गल है। एक Ladies and gentlemen, welcome to the Illuminati Tour. Tonight, you become part of history. Remember, firsts are always special, and what you witness here will never be repeated. I will be your host this evening, and I assure you, what you're about to experience will be one of the most memorable moments of your life. But first, let's make a pact to take care of ourselves and those around us. Tonight, you are the special chosen ones. Close your eyes, express your gratitude. So sit back, but don't relax. The energy is about to rise. The excitement is about to peak. Get ready to witness the biggest Punjabi artist on the planet of all time. The moment has arrived.
चाहे तुम एम्स्टरडैम तो आए हैं, चाहे तुम जर्मनी तो आए हैं, बहुत चंगा लगा मेरे, बहुत चंगा लगा है दोनों चले कटे देख के। हाँ मेरे को लगा कि कॉन्ट्रोवर्सी बहुत बढ़ गई है, पर जो था ये आपस में बढ़ गई है तो वेरी गुड, बहुत अच्छी गल, जोरदार ताली है। थैंक यू गाइस, इस जितों भी आए अपना टाइम कटिया, तुम थैंक यू सो मच, अप्रीशिएट तुम सारे लिए थे आए, असं भी थोड़े लिए बड़ी दूरों चल के आए, महाराज थोड़ा सारे को चढ़ने गला रख, असं कोशिश करा कि अज की रात थोड़ी बेस्ट नाइट होवे, तुम तो वो इंजॉय करके खाओ, ये असं इतने आए। थैंक यू गाइस, अप्रीशिएट, जोड़ा गाँव सुनना तुम दस दौ नाम के ही सुना देना है। Thank you.
ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਐਮਸਟਰਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਕੱਠ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਿੱਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹੀ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਿਆਰ ਦਾ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਲਈ ਮੈਂ ਹੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮੈਂ ਹੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸੋ ਫਾਈਨਲੀ ਮੈਂ ਹੋਟਲ ਵਾਪਸ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਇਰਡ ਬਹੁਤ ਥੱਕ ਚੁੱਕਾ ਹੂੰ ਔਰ ਇਤਨਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਆ ਇਤਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਕਿ ਆਪ ਲੋਕ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਤੇ ਦਿਲਜੀਤ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਵੋ ਯੂੰ ਕਰ ਰਹਾ ਥਾ ਠੀਕ ਹੈ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਸਾਈਨ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾ ਰਹਾ ਥਾ तो मैंने भी ऐसे किया मैं बिल्कुल सामने खड़ा था उसका हमारा आई कॉन्टैक्ट बन रहा था आपस में तो उसने फिर आगे उसने यूं किया ना इस तरह वो हंस रहा था मेरी तरफ देख के वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट था तो बड़ा अच्छा लगा जिस स्टार को आप देखने गए हैं जिससे हम मिलने जाते हैं वो बिल्कुल आपके पास खड़ा और वो इस तरह से रिएक्ट करे बड़ा मज़ा आया मुझे तो अब मैं आप लोगों से ज़्यादा चाहूँगा एक दफ़ा आपसे दरख्वास्त करूँगा प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें मुलाकात होगी आप लोगों से अगली वीडियो के अंदर खुश रहें दुआओं में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़।